भाई टाइम एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। पेंटेन यूनिवर्स में भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनके पास टाइम पावर्स हैं। तो यार आज के इस ऑसम वीडियो में हम पेंटेन यूनिवर्स के टॉप 5 पावरफुल टाइम वर्कर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ भाई, हमने किसी भी सेलेस्ट सेफियन को इस वीडियो में नहीं लिया है, इसलिए बाद में मत कहना कि एलियन एक्स कहां गया। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई नंबर 5 पर आता है स्पेनर, जो कि बेंटेन 1000 का बेटा है और इसका रियल नेम है केन टेनिसन। भाई इसके पास है एनहेंस्ड एजिलिटी और भाई इसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स भी हैं, यानी कि ये एक अच्छा फाइटर भी है। भाई स्पेनर एक वाइट आर्मर और एक वाइट हेलमेट को पहना हुआ होता है। इसके पास एक ग्रीन स्कार्फ भी होता है। भाई इस पूरे आर्मर से हाई जंप भी लगा सकता है। भाई इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि इसे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने दिए हैं। भाई स्पेनर एक टाइम ट्रैवलर भी है। भाई ये कम थोड़ी ना है किसी से, ये भी एक टाइम ट्रैवलर है। हमने एपिसोड्स में देखा भी है इसे टाइम ट्रैवल करते हुए। डॉक्टर एनिमो को भी तो यही ले गया था फ्यूचर में। तो भाई नंबर 4 पर आता है क्लॉकवर्क। ये रोबोटिक बॉडी वाला एलियन क्रोनोसेपियन स्पीशीज से बिलोंग करता है। भाई ये एलियन टाइम पावर का हाउस है। ये शू शू करके टाइम रेस को शूट कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, डायमेंशन जंप कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। भाई ये अपनी हेड की को रोटेट करके कई पावरफुल अटैक्स कर सकता है और भाई इससे ये टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ है। रोको रोको भाई, अगर इसमें से एनहेंस को हटा दे तो स्ट्रेंथ बचता है, जो कि क्लॉकवर्क के पास मेरे ओपिनियन से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास एनहेंस्ड स्टेमिना है, वो तो हमने एक एपिसोड में देख लिया था कितना स्टेमिना है इसके पास। इसके पास एनहेंस्ड स्पीड और एनहेंस्ड जंपिंग है। भाई जंप तो लगा नहीं सकता है ये, और स्पीड की बात रही तो वो टाइम पावर से कर सकता है स्पीड को फास्ट। अब क्लॉकवर्क एक टेक्नोलॉजिकल बीइंग है, इसलिए ये गैल्वेनिक मेकामॉर्फ के साथ मर्ज भी हो सकता है। क्लॉकवर्क क्रोनोपैथी भी कर सकता है। अगर भाई आपका टाइम खराब चल रहा है तो इससे फाइट बिल्कुल मत करना, वरना ये आपके खराब टाइम को और भी खराब कर देगा। भाई क्लॉकवर्क के ऊपर मैंने ज्यादा कुछ मजाक कर लिया है, लेकिन क्लॉकवर्क रियली में एक पावरफुल एलियन है। तो भाई नंबर 3 पर आते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स, जो कि मुसीबत के टाइम तो बिल्कुल दिखते ही नहीं है। इनके पास टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स हैं, ये कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, एज को रिवर्स कर सकते हैं। और भाई इनके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस इंटेलिजेंस ही, और भाई टाइम और स्पेस के बारे में तो इन्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। भाई इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स एक टाइम ट्रेवलर है। इनकी एज 100,000 ईयर्स है। भाई इनके पास टाइम से रिलेटेड काफी इक्विपमेंट्स हैं और भाई इन्हें टाइम की काफी अच्छी नॉलेज है। भाई वैसे इन्हें एनहेंस स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है किसी बंदे को डिफीट करने के लिए, क्योंकि भाई अगर इन्होंने कुछ टाइम से रिलेटेड उसे समझाया ना तो वैसे ही डिफीट हो जाएगा। भाई प्रोफेसर पैराडॉक्स कहीं भी जा सकते हैं, फोर्ज ऑफ क्रिएशन में भी चले गए थे ये, और भाई बेन 10 को एलियन एक्स से ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था इन्होंने। तो भाई रियली में प्रोफेसर पैराडॉक्स एक पावरफुल टाइम ट्रेवलर है, इन्हें डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो भाई नंबर 2 पर आता है ईओन, जो कि किसी भी डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, क्रोनोपैथी कर सकता है, और भाई स्पेस और टाइम दोनों को ही मैनिपुलेट कर सकता है। भाई ईओन टेलीपोर्टेशन कर सकता है, टाइम पोर्टल को क्रिएट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, और भाई एनर्जी शॉक वेव्स को भी जनरेट कर सकता है। ईओन टेक्नोपैथी टेक्नोकिनेसिस भी कर सकता है। इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस एजिलिटी, एनहेंस स्पीड, एनहेंस रिफ्लेक्सेस और एनहेंस इंटेलिजेंसी जैसे पावर्स हैं। भाई ईओन एक पावरफुल टाइम रेस को शूट कर सकता है, जो कि बेन 10 के कई एलियंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बस डायमंड हेड भैया ही इसके सामने टिके हैं अभी तक। भाई ईओन रियली में ही एक पावरफुल विलन और एक पावरफुल टाइम ट्रेवलर है। भाई इसने ही तो सभी नेगेटिव बेंस को कलेक्ट किया था बिल गेट्स के लिए। भाई ईओन ने बेन 10 के कई पावरफुल एलियंस से फाइट किया है और उन्हें डिफीट भी किया है। भाई इसने प्रोफेसर पैराडॉक्स से भी फाइट किया है, उन्हें भी डिफीट किया है इसने। तो फाइनली हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं मेल ट्रुएंट भैया, जो कि एक क्रोनोसेपियन है। भाई मेल ट्रुएंट क्रोनोपैथी कर सकता है, टाइम रेस को शूट कर सकता है, टाइम शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है और टाइम को स्टॉप भी कर सकता है। भाई अगर मैं टाइम को स्टॉप कर सकता था ना तो भाई मैंने जितनी गलतियां की हैं उनकी पिटाई से बच जाता मैं अभी तक। तो भाई मेल ट्रुएंट भी टाइम पोर्टल को क्रिएट कर सकता है, डायमेंशन जंप कर सकता है। वो वाला जंप नहीं भाई, बेचारे की बॉडी को तो देख लो। भाई ये अपनी हेड की को रोटेट कर सकता है और अपनी डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकता है। इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ और एनहेंस ड्यूरेबिलिटी है। भाई अपने मेल ट्रुएंट भैया नहीं तो बिल गेट्स को क्रोनोसेपियन टाइम
बॉम्ब दिया था। अगर बिल गेट्स के पास ये बॉम्ब नहीं होता तो भाई घंटा कुछ कर लेता बिल गेट्स। ग्वेन काई एंड बेंटन 1000 का मोस्ट पावरफुल फ्यूजन एलियन यानी कि एटॉमिक एक्स भी मेल्ट्रुएंट को डिफीट नहीं कर पाए हैं। मेल्ट्रुएंट ने अपनी टाइम पावर की हेल्प से एटॉमिक एक्स की काफी अच्छी खासी पिटाई कर दी है। तो भाई आप सोच सकते हैं कि बेंटन यूनिवर्स में मेल्ट्रुएंट से पावरफुल टाइम ट्रेवलर कोई भी नहीं है। तो भाई आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।